गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद काजू। तो गाइस, मैं हूँ काजोल और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन की रेसिपी। जी हाँ, स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन जो सबकी बहुत फेवरेट होती है, उसकी रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि घर पर मोस्टली बहुत सारे लोग बनाना ट्राई करते हैं, पर उनका इतना वो जो मार्केट वाला टेस्ट होता है ना, वो आ नहीं पाता। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। तो इस रेसिपी को एंड तक देखना और जो भी मैं टिप्स आपको बताऊँ उसे ज़रूर नोट कर लेना। तो चलो फिर फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स आपके सामने हैं। ये मैंने लिया है ऑयल, इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक यानी लहसुन जिसे मैंने कूट लिया था, और ये लिए हमने प्याज जिसे मैंने पतला और लंबा कट कर लिया था। शेजवान चटनी ली है हमने यहाँ पर, इसके अलावा हमने यहाँ पर ली है कैप्सिकम दोनों कलर्स की, और यहाँ पर गाजर ली है, और हमने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी जिसे मैंने पतला पतला काट लिया था। यहाँ पर हमने लिया है ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस हमने यहाँ पर ली है। इसके अलावा हमने यहाँ पर टमेटो केचप लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, वाइट सॉल्ट लिया है हमने यहाँ पर, और थोड़ा सा विनेगर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ नूडल्स लिए हैं जिन्हें मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। तो मैंने यहाँ पर नूडल्स का हाफ पैकेट लिया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इंग्रेडिएंट्स डबल कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हम रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर ली और गरम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। तो जब ऑयल अच्छे से जब गरम हो जाएगा ना, तब हम इसमें सबसे पहले गार्लिक ऐड करेंगे, क्योंकि हम नूडल्स में गार्लिक का फ्लेवर देने वाले हैं। तो ये मैंने गार्लिक ऐड कर दी और इसे हम भूनेंगे जब तक कि जो गार्लिक का फ्लेवर है ना, वो ऑयल में ना आ जाए। तो जैसे ही गार्लिक का फ्लेवर ऑयल में आएगा तो जो गार्लिक का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है गार्लिक का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। तो अनियन को हम अच्छे से पका लेंगे और अनियन का भी कलर पिंक हो जाएगा तब तक हमें इसे कुक करना है। तब तक हमें लगातार चलाते रहना है और जो फ्लेम है हमें फुल रखनी है। तो ये जो हमारे अनियन है वो रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे शेजवान चटनी। शेजवान चटनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप वो ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास घर पर अवेलेबल है। इसके बाद हम यहाँ पे गाजर ऐड कर देंगे। तो गाजर मैंने सबसे पहले इसलिए ऐड करी है क्योंकि जो गाजर होती है पकने में टाइम लगाती है, इसलिए सबसे पहले गाजर ऐड की है। इसे हम 30-40 सेकेंड तक ऐसे स्टर करते रहेंगे। उसके बाद हम दूसरी वेजेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल पेपर यानी शिमला मिर्च डाल दी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर पत्ता गोभी। तो जितनी भी सब्जियाँ हैं उसे आप 30-30 सेकेंड में ही चलाइएगा, उसके बाद दूसरी सब्जियाँ ऐड कर दीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी डाल दी। अब अच्छे से सारी सब्जियों को मिला लेंगे जिससे कि जो भी हमने इसके अंदर डाली है ना चटनी वगैरह, सबका फ्लेवर आ जाए सभी सब्जियों में। तो अब हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और सॉल्ट डाल देंगे। जो भी हमारी सॉसेज है हम वो एंड में डालेंगे जब हम नूडल्स डाल देंगे उसके बाद। उससे क्या होता है कि जो कलर होता है ना नूडल्स का वो बहुत अच्छा आता है। अगर हम सब्जियों पे ही सॉसेज ऐड कर देते हैं तो जो सब्जियां होती हैं उनका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। तो जब ये नूडल्स बन जाएंगे ना, तब आप इनका कलर देखना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाला कलर आएगा, क्योंकि वो लोग भी एंड में ही डालते हैं सॉसेज को। तो ये मैंने स्पाइसेज ऐड कर दिए और इसके बाद हम मिला लेंगे सब्जियों को। और अब हम यहाँ पर नूडल्स ऐड करेंगे। तो ये देखिए नूडल्स को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा है। एक साथ ऐड मत करिएगा, अदरवाइज़ जो नूडल्स होते हैं ना वो फिर वो चिपक जाते हैं और फिर वो ना अच्छे से मिल नहीं पाते सब्जियों में। तो बस ऐसे धीरे धीरे लगातार इसे चलाएंगे और जब हम नूडल्स डालेंगे सब्जियों में तो जो फ्लेम है हम उसे लो कर देंगे। अदरवाइज़ जो अगर आपकी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक नहीं है तो जो नूडल्स होंगे वो चिपक जाएंगे कढ़ाई में, ठीक है। तो बस अब अच्छे से मिला लिया हमने नूडल्स में सब्जियों को। अब हम यहाँ पे सॉसेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे 2-2.5 चम्मच ग्रीन चिली सॉस को ऐड कर दूँगी। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने रेड चिली सॉस यहाँ पर ऐड कर दी है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर सोया सॉस डाल दी। तो सोया सॉस बहुत ज़्यादा मत डालना, केवल ये हल्के से खट्टेपन के लिए होती है, ज़्यादा डालने पर कलर ख़राब कर देती है हमारी नूडल्स का।
फिर हमने यहाँ पर डाल दिया टमेटो केचप। तो टमेटो केचप डालने के बाद एंड में हम यहाँ पर डालेंगे विनेगर। तो इसी तरह आप भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा। अब सभी जो सब्जियां को हम अच्छे से मिला लेंगे, जो ताकि जो सभी जो हमने सॉसेस डाली है ना जितनी भी, वो अच्छे से नूडल्स के अंदर जो हम चाउमीन बनाने जा रहे हैं उसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो ये हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद, और ये रेडी हो चुकी हैं, तब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देती हूँ, और अब हम इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। तो देखिए कैसी लग रही है चाउमीन, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपकी कोई और पसंद की रेसिपी है और आप चाहते हैं मैं वो बनाऊं, तो मैं वो भी ट्राई करूंगी। आप मुझे ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगली रेसिपी में मिलते हैं, तब तक बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।